अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़रीन सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है दाल की, माश और चने की दाल। तो इसकी रेसिपी क्या है, ये कैसे बनेगी, जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने घी ले लिया, ठीक है, असा दो, मतलब दो, हाँ जी दो चम्मच, दो चम्मच हम लोगों ने, हाँ जी। ये मैंने एक प्याज ले लिया, बड़ा बड़े साइज का, हाँ। ये लहसुन अदरक कुटा हुआ, एक टमाटर बड़ा सारा, ठीक है, इसमें डालने के लिए। ये दाल मैंने उबाल ली है, ठीक है, दाल उबाल ली है, ये देखें गरम भी अभी, हाँ जी। ये धनिया, हरी मिर्च है गार्निशिंग के लिए, हाँ जी। ये आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच नमक, आधी चम्मच हल्दी, आधा चम्मच सुर्ख मिर्च पीसी हुई, दादरी मिर्च आदि, ठीक। तो अब हम लोगों ने पहले मतलब क्या, प्याज भून करके ना लहसुन भूनना है, टमाटर फिर इसमें ना डाल। अच्छा, तो मतलब हम लोग पहले वहाँ पे प्याज ब्राउन करेंगे, फिर ये वाला जो सा लहसुन अदरक का पेस्ट है यहाँ पे पड़ा हुआ, इसको डालेंगे, टमाटर डालेंगे, इसके बाद हम लोग ये दाल डाल देंगे और उसके बाद तैयार हो जाएगी फिर ये मसाले, और लास्ट में हम लोग इसको धनिया रिमिक्स से गार्निश करेंगे, ठीक है। व्यूअर्स, देखते हैं कि जो सी आज की हमारी मज़ेदार सी ये दाल की रेसिपी कैसे तैयार होगी। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, वीडियो को पूरा देखना है और देखना है कि सीखना है ये मज़ेदार सी जो सी दाल की रेसिपी है ये कैसे तैयार हो रही है। तो व्यूअर्स, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो से प्याज हमने भी आप लोगों को दिखाई, बड़े साइज का हम लोगों ने प्याज लिया है, उसको हम लोगों ने यहाँ पर तकरीबन दो चम्मच हम लोगों ने घी के लिए इसमें हम लोग उसको फ्राई कर रहे हैं। हम लोगों ने इसको लाइट कलर देना है, तो जब तक हमारे यहाँ पर प्याज हो रही है हम लोग वेट करते हैं। और आपको दोबारा दिखा देते हैं मज़ेदार सी की दाल की रेसिपी है कि कैसे तैयार होगी। ये लहसुन टमाटर मैंने डाल दिए, तो आप लोग शोर भी सुन सकते हो और माशाल्लाह खुशबू भी बहुत अच्छी आने लग गई है। तो ये पहले हम लोग मसाला भून रहे हैं, हाँ जी, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है माशाल्लाह, यहाँ पे मसाला भूनेगी, इसके बाद हम इसके अंदर दाल शामिल करेंगे। नहीं, इसमें मसाले, मसाले, ठीक है, मतलब उसके बाद हम इसके अंदर दाल डालेंगे, हाँ जी। पहले हम लोगों ने मसाला तैयार करना है, फिर इसके अंदर नमक मिर्च डालना है, उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने जो कि हमारी दाल की रेसिपी जो फाइनल है, यानी कि जो हमारी आज की जैसी पकती है होटलों में, ये मसाले भी डालते हैं। ये वो कुछ स्पाइसेस हम लोगों ने शामिल किए हैं, जो अगर आप लोगों ने मार्केट को पूरा देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने कितनी मिकदार ली है और कौन कौन से हम लोगों ने मसाले लिए हैं और कितनी कितनी मिकदार में हम लोगों ने इनको शामिल किया है। तो यहाँ पर हम लोग मसाला भून रहे, बिल्कुल बाजार जैसी ये दाल बन रही है, लोगों को पसंद होती है माश की दाल और चने, माश की दाल और चने की दाल, हाँ। तो आज हम वही आप लोगों को सिखा रहे हैं। मसाला यहाँ पर हम लोग भून रहे हैं, मसाला भूना जा रहा है, इसके बाद हम लोग इसके अंदर दाल शामिल करेंगे, हाँ जी। अब 5 मिनट भूनते हैं ना इसे, तो हम लोग इसको 5 मिनट भूनते हैं। व्यूअर्स, तो आप लोगों को दोबारा दिखाते हैं ताकि ये जो से टमाटर है ये भी ज़रा सॉफ्ट हो जाए, जो से प्याज है उनको हमने हल्का सा फ्राई किया था वो हल्का सा लाइट ब्राउन किया था, उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल देते हैं इसमें, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, बस। तो माशाल्लाह इस वक्त बहुत ज़बरदस्त और उमदा आ रही है, तो मज़ीद इसको 5 मिनट भूनते हैं आपको दिखाते हैं। मतलब ये ऐसी खड़ी खड़ी सी दाल ही तैयार होगी, दानेदार सी, हाँ जी। अब दम पे लगाएंगे ना इसे, तो ये तो बहुत झटपट बनने वाली मतलब रेसिपी, बहुत जल्दी ही बन गई है ये। नहीं, उबाला है ना इसे, अभी पकाएंगे ना थोड़ी देर में, मतलब वही ना, मतलब अगर आपने इसको बॉईल किया हुआ है तो फिर आप इसको जल्दी से बना सकते हैं, हाफ तो कुक हो ही जाती है ये, हाँ बॉईल करते हुए। अब थोड़ी सी भून के ना इसमें पानी डाल देंगे, इतने में हो जाएगी। तो अभी हम लोग इसको थोड़ा सा भूनते हैं, थोड़ा पानी शामिल करके इसको गलने के लिए रख देंगे। तो आज बहुत ही मज़ेदार से हम लोग जो दाल की रेसिपी आप लोगों को सिखा रहे हैं, आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हम आपको मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी जो सी रेसिपीज़ हैं आपको सिखा सकें। अगर आप लोगों को रिक्वेस्ट करनी है तो इंशाल्लाह वो भी हम आपकी रिक्वेस्ट को भी पूरा करेंगे। बस इतना सा पानी डाल रहे हैं इसमें,
क्योंकि दाल गली हुई है ना हमारी, तो बस इसको पकाने के लिए ना इतनी सी दाल पकाने। तो बहुत हम लोगों ने कम, तकरीबन हाफ कप आप लोग कह सकते हैं पानी का हम लोगों ने शामिल किया है। हाँ जी। वो भी दाल को गलने के लिए हम लोगों ने रखना है, तो दाल इसको हम फिर गलने के लिए रख के 5 से 10 मिनट हम लोग रखेंगे। हाँ, पानी बस सूख जाए, फिर पानी सूख जाए तो फिर हम आपको दोबारा दिखाते हैं। हाँ जी, बचा देते हैं। ठीक है, उसको हम कवर कर देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए, पकने के रख देते हैं 5 से 10 मिनट के बाद आपको हम दोबारा दिखाते हैं। तो आप लोगों ने बस कहीं जाना है, हमारे व्यूअर्स को पूरा देखना है। तो व्यूअर्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सी हमारी माश और चने की दाल है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है। हमने इसको पानी डालकर गलने के लिए यहाँ पर रखा था, तो अब ये माशाल्लाह बिल्कुल गल चुकी है। तो वही धनिया, हरी मिर्च जो सी हम लोगों ने आपको दिखाई थी गार्निशिंग के लिए, इस स्टेज पर आके हमने इसको शामिल कर दिया है। तो बहुत ही ये दानेदार से मज़ेदार से जो सी ये माश की और चने की दाल है ये बिल्कुल होटल स्टाइल वाली तैयार हो गई है। तो आप इसको बासानी घर में बना सकते हैं। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कलर कितना प्यारा लग रहा है, ग्रीन, येलो और रेड कलर का, बिल्कुल ये दानेदार सी ये जो सी हमारी आज की रेसिपी है दाल की, ये तैयार हो गई है। तो अब ये बिल्कुल मतलब फाइनल हम डिश आउट करेंगे। ठीक है, तो अब ये बिल्कुल इसकी फाइनल लुक है और आप लोग इसको देख सकते हैं। बबल इसके अंदर बन रहे दाल भी बिल्कुल गल चुकी है, तो इसको हम लोग डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो अब इसको हम लोग डिश आउट कर रहे हैं। ये देखिए एक बार इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। ये देखिए घी भी आ गया, घी भी आ गया। तो देखिए आप माशाल्लाह ये जो सी हमारी दाल है तैयार हो गई है, कितनी जबरदस्त लग रही है देखने में। खुशबू माशाल्लाह बहुत उमदा और जबरदस्त आ रही है। ये देखिए बिल्कुल दानेदार सी ये जो हमारी दाल है ये तैयार हो गई है। ये इसका फाइनल लुक है। उम्मीद करते हैं व्यूअर्स कि आपको जो सी आज की हमारी ये बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी और इसको बासानी आप बनाना सीख गए होंगे, क्योंकि कोई इसके अंदर डिफ़िकल्टी नहीं है। हम लोगों ने वही जो से हमारे आम मसाले हैं उनको हम लोगों ने इस्तेमाल किया है और मज़ेदार सी ये जो दाल है ये तैयार की है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें और हमें अपने फीडबैक दें। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इंशाल्लाह हम इस तरह की नई नित्य नई जो सी रेसिपी से लेकिन आसान तरीके से आप लोगों को बना सिखाते रहेंगे। तो अब हम आप लोगों से जान चाहते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के बारे में। तब तक हमें इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। हम आपके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह हाफिज़।